माय ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय ट्रेडिशनल दुर्गा पूजा मेकअप लुक यूजिंग सुपर डुपर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। एंड दिस लुक इज इंस्पायर्ड बाय बंगाली मेकअप लुक। पूजा की जब बात आती है, दुर्गा पूजा की स्पेशली, तो बंगाली लुक सबसे पहले माइंड में आता है एंड बंगाली मेकअप लुक मुझे बहुत पसंद है। तो यस, ये लुक आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको भी ये लुक पसंद आता है, मेकअप अच्छा लगता है, तो मेक श्योर कि एक लाइक, शेयर और प्यारा सा कॉमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और आगे की नोटिफिकेशन से नोटिफाइड रहने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल है cosmholic_sakshi। सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले स्किन केयर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अच्छा मेकअप तभी अचीव कर सकते हो जब आपने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप एंड प्राइम किया हो। तो यहाँ पे मैंने टोनर लगा लिया है, इसके बाद मैं यहाँ पे सीरम लगा रही हूँ और अच्छे से अपनी स्किन में पेनिट्रेट होने दे रही हूँ इसे। देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पे हाइलुरोनिक जेल लगाया है ताकि मेरी जो स्किन है वो अच्छे से हाइड्रेटेड हो जाए, उसमें हाइड्रेशन की कमी ना रहे, डल ना लगे देखने में, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे लगाया है। गाइज, स्किन का हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। आप अंदर से भी हाइड्रेटेड रहो और साथ साथ अपनी स्किन को भी हाइड्रेटेड रखो, तभी आपका जो मेकअप है ना वो बिल्कुल फ्लॉलेस दिखेगा। एंड ऑफ कोर्स फेस्टिव लुक है, पूजा लुक है, तो स्किन पे वो जो विदिन वाला ग्लो है ना वो तो चाहिए ही है कि नहीं। तो विदिन वाला ग्लो पाने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया है इल्यूमिनेटर बाय स्विस ब्यूटी और इसमें मेरा शेड है गोल्डन पर्ल। और इसको अच्छे से मैंने अपने पूरे फेस एंड नेक पे ब्लेंड कर लिया है और आप देख सकते हो मेरे स्किन पे एकदम से ग्लो आ गया है, नेचुरल सा ग्लो आ गया है। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे जितने भी मेरे पोर्स हैं ना उसको प्राइमर की हेल्प से ब्लर आउट कर लिया है। देन मैंने कप्स एंड लैशेस का कवर पॉट लिया है 08 शेड में और उसको मैंने अपने आईलेट्स पे लगाया है। कंसीलर लगाना बहुत ज़रूरी है आई मेकअप से पहले, क्योंकि जो भी आप कलर लगाओगे, जो भी पिगमेंट लगाओगे ना, उसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाती है अगर आपने बेस क्रिएट किया है। तो इस बेस को मैं सेट कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर से, जिससे ये इधर से उधर ना हो, क्रीज ना हो और अच्छे से अपनी जगह पर इंटैक्ट रहे। नेक्स्ट, आई मेकअप में सबसे पहले मैंने एक बहुत ही प्रिटी सा कोरल शेड लिया है एज माई ट्रांजिशन शेड और पहले इसको मैंने अपने आउटर वी में लगाया है। आउटर वी में डिपॉजिट करने के बाद इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ और बहुत लाइट हैंडेडली मैंने इसे ब्लेंड किया है। इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी और बढ़ाऊंगी, इसे बिल्डअप करूंगी एंड फाइनली अंदर की तरफ ड्रैग करूंगी सेम कलर को और अपने क्रीज लाइन से ऊपर इसे ब्लेंड कर लूंगी। अगर आप अच्छा आई मेकअप पाना चाहते हो ना, तो उसकी जो की है, उसका जो सीक्रेट है, दैट इज़ ब्लेंडिंग। जितना अच्छे से आप ब्लेंड करोगे अपना मेकअप, जितना अच्छे से अपने पिगमेंट्स को आप ब्लेंड करोगे, उतना ही प्यारा मेकअप आपको अचीव होगा। चाहे आपका फाउंडेशन हो, चाहे आपका आई शेडो हो, गाइस ब्लेंडिंग इज़ द की। नेक्स्ट मैंने एक पेंसिल ब्रश पे रेड शेड लिया है फ्रॉम द सेम पैलेट और उसे भी मैंने अपने आउटर वी पे डिपॉजिट किया है। इसको भी मैं इसकी इंटेंसिटी अभी और बढ़ाऊंगी, कलर को बिल्डअप करूंगी, क्योंकि मेरा जो आउटफिट है वो क्रीम ब्लैक एंड रेड कलर का साड़ी है, तो बस उसी से मिलता जुलता मैंने आई मेकअप यहाँ पे ट्राई किया है। और इसको भी बाहर की तरफ मैं ब्लेंड करूंगी, अंदर की तरफ नहीं। आप देख सकते हो मैंने 1/4 आईलिड्स को छोड़ के किया है, आउटर वी पे सिर्फ इसे डिपॉजिट किया है और फिर एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैंने इसे बाहर की तरफ ड्रैग किया है कलर को। बंगालीज में गाइस आई मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं, तो आंखों को बड़ा दिखाने के लिए मैंने बाहर की तरफ सारे पिगमेंट्स को ड्रैग किया है। अब जो अंदर का हिस्सा बचा है आईलिड्स का, उस पर मैंने कंसीलर लगा लिया है क्योंकि वहाँ पर मुझे ग्लिटर शेड अप्लाई करना है। तो काइंड ऑफ कट क्रीज कर रही हूँ बहुत ही रफली, आप चाहो तो प्रिसाइजली भी कर सकते हो, ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो, बट मैं बिगिनर फ्रेंडली मेकअप लुक कर रही हूँ इसलिए बहुत रफली मैंने अपनी क्रीज को कट किया है और फिंगर्स से ही मैंने ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि फिंगर्स की वॉर्म्थ से ना प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से मेल्ट डाउन होके ब्लेंड हो जाते हैं। देन सेम पैलेट में से मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा शैम्पेन गोल्ड शेड लिया है और उसे जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था उस पर प्लेस करके ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि मेरे साड़ी में ना वो क्रीमिश टेक्स्चर है, बिल्कुल वाइट नहीं है, बिल्कुल येलो मतलब पेल टेक्स्चर में नहीं है, वो समवेयर इन बिटवीन है, क्रीमिश पेल, क्रीमिश वाइट काइंड ऑफ शेड है, तो उससे मिलता जुलता मैंने यहाँ पे ग्लिटर लगाया है। इसको मैंने फिंगर से हल्का हल्का सा ओवरलैप किया है अपने रेड आई शेडो के ऊपर, जिससे एक ट्रांजिशन सा क्रिएट हो जाए और बिल्कुल एक हार्श लाइन जो है वो ना रह जाए। देन अगेन मैंने रेड आई शेडो लिया है एक ब्रश पे और कलर को इंटेंसिफाई किया है अपने आउटर वी पे।
ठीक है। फाइनली मैंने यहाँ पे कलर एसेंस का गोल्डन शिमर शेड लिया है और उसको जहाँ पे मैंने एक ग्लिटर शेड लगाया था शिमर शेड उसी के ऊपर प्लेस कर लिया है। जब लाइट पड़ेगी ना आईज पे तो ये शिमर्स ब्लिंक करेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। इसके बाद मैंने आईलाइनर स्किप कर दिया है गाइज, इंस्टेड मैंने ब्लैक आई शेडो से एक बहुत ही स्मोकी सा विंग क्रिएट किया है। चंकी ग्लिटर्स लगाने से थोड़े बहुत फॉल ऑफ्स हो जाते हैं तो ज़रूरी है कि आप उसे डस्ट ऑफ कर लो। देन मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने जो भी फ्लॉज है ना वो मैं यहाँ पे हाइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक फ्लॉलेस बेस चाहिए। तो सबसे पहले मैंने अपनी डार्क सर्कल्स को हाइड किया है यूजिंग ऑरेंज कलर करेक्टर बाय NY Bay। और जहाँ जहाँ पे भी ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ या मुझे लग रहा है मेरे फेस पे डार्कनेस है तो उसको मैंने इसी करेक्टर से हाइड कर लिया है। ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है, मतलब अगर आपको नहीं हाइड करने अपने डार्क स्पॉट्स अपने फ्लॉज तो आप डायरेक्टली फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई करके भी उसे मिनिमाइज कर देते हो, बट कलर करेक्टर लगाने से ना न्यूट्रलाइज हो जाता है स्किन टोन एंड बहुत अच्छे से कवर अप हो जाते हैं आपके डार्क स्पॉट्स जो हैं। फाउंडेशन के लिए मैंने अगेन कफ्स एंड लैशेस का कवर पॉट यूज़ किया है यूजिंग शेड 06 एंड इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ हल्के हल्के हाथों से। एंड गाइस जब भी आप ये कवर पॉट यूज़ करो ना मेक श्योर कि आप ड्राई स्पॉन्ज से इसे ब्लेंड करो। ड्राई स्पॉन्ज से इसका कवरेज बहुत ही ज़्यादा ऑसम आता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, क्रीज आउट नहीं करता है, ट्रांसफ़र बिल्कुल होता है और यही मुझे इसका फ्लॉ लग रहा है कि ट्रांसफ़र हो जाता है। बट अगर आप इसे वेट स्पॉन्ज से ब्लेंड करते हो ना तो ये ब्लेंड अच्छे से नहीं होता, एटलीस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस है एज़ पर दैट ये ड्राई स्पॉन्ज से ज़्यादा बेटर ब्लेंड होता है। कफ्स एंड लैशेज कवर पॉट के ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने बताया कि मुझे पसंद क्यों नहीं है, तो उसे आई बटन पर लिंक कर दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चेकआउट कर लेना। इसके बाद मैंने कंसीलर अप्लाई किया अपने अंडर आई एरिया में और जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइटिंग करनी है ना फेस पे वहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया। और कंसीलर मैंने लगाया है मेकअप रेवोल्यूशन का। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ सबका डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विद देयर बाइंग लिंक्स, तो अगर आप परचेज करना चाह रहे हो तो वहाँ से डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हो। एंड जहाँ भी डिज़ायर्ड है ना कंसीलर जैसे अराउंड माई नोज माउथ के आसपास और जहाँ पे भी हाईलाइटिंग करनी है या जहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ी बहुत डार्कनेस अभी भी है तो उसको हाइड करने के लिए मैं इसे टॉप कर रही हूँ कंसीलर से और इसे ब्लेंड कर लिया है मैंने। तो आप देख सकते हो कलर करेक्शन करने से जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं या जो भी डार्कनेस होती है ना वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाती है। देन अपने फाउंडेशन को मैं सेट कर रही हूँ कॉम्पैक्ट की हेल्प से जिससे फाउंडेशन इधर उधर ना हो, मेल्ट ना हो, क्रीज ना करे, बिल्कुल अच्छे से स्किन में इंटैक्ट रहे। इसके बाद अपने फेस पे थोड़ी सी डेप्थ एंड डेफिनेशन क्रिएट करने के लिए मैं अपने फेस को ब्रॉन्ज कर रही हूँ यूजिंग शुगर का हाइलाइटर ब्लश ब्रॉन्जर पैलेट। आप चाहो तो पहले कॉन्ट्रोल करके उसके बाद भी ब्रॉन्जिंग कर सकते हो, बट मैंने अपनी चीक बोन्स को सिर्फ ब्रॉन्जिंग की है, जॉ लाइन को ब्रॉन्जिंग की है एंड फोरहेड पे ऊपर थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग की है। इसके बाद मैंने NY Bay की कॉन्ट्रोल स्टिक से अपनी नोज़ को कॉन्ट्रोल किया है एंड थोड़ा सा डिफाइंड एंड शार्प दिखाने की कोशिश की है। कॉन्ट्रोलिंग वगैरह गाइस ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ ब्रॉन्जर से भी आप अपने नोज़ को कॉन्ट्रोल कर सकते हो। देन हल्के हाथों से इसको भी मैंने ब्लेंड कर लिया। गाइस ये क्रीम कॉन्ट्रोल बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। मुझे NY Bay के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी होते हैं। आई थिंक इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है चैनल पर, चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देन ये जो मैंने कॉन्ट्रोल क्रीम लगाई थी कॉन्ट्रोल स्टिक इसको मैंने सेट करने के लिए ब्रॉन्जिंग की है अपनी नोज़ के ऊपर। देन मैंने म्यूजिक फ्लावर का जेल आईलाइनर पॉट लिया है इन द शेड ब्राउन और उससे मैं अपनी ब्राउज़ को फिल कर रही हूँ। ब्राउज़ में थोड़ा सा डार्क शेड में फिल कर रही हूँ क्योंकि बंगाली लुक है और बंगाली लुक की जो स्पेशलिटी होती है, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है उनका आई मेकअप। तो आई मेकअप के साथ साथ उनकी जो ब्राउज़ होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं एंड बिल्कुल आई कैचिंग सी होती हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डार्कर शेड लिया है और थोड़ा ज़्यादा लगाया है। एंड इसके बाद इसको मैंने आईब्रो ब्रश से ब्रश कर लिया है, कोम्ब कर लिया है जिससे कोई भी हार्शनेस ना रह जाए। फाइनली अपने फेस को मैं यहाँ पे बेक कर रही हूँ शुगर के बनाना पाउडर से एंड यहाँ पे मैंने लगाया है चीक टिंट और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। आप चाहो तो ब्लश का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं चाह रही थी ना थोड़ा सा डुई वाला फिनिश आया फेस पे, इसलिए मैंने यहाँ पे चीक टिंट लगाया है। एंड थोड़ी देर बाद जो भी मैंने पाउडर लगाया था बनाना पाउडर बेक करने के लिए उसे मैंने डस्ट ऑफ कर लिया है और आप देख सकते हो पाउडर को डस्ट ऑफ करने के बाद अंडर आई एरिया कितनी ब्राइटन अप हो गई है। इसके बाद मैंने सेम फ्लफी ब्रश पे रेड
पिगमेंट पिक किया है और अपनी लोअर लैश लाइन में लगाया है, ब्लेंड किया है उसे, स्मज ऑफ किया है। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ जिससे आई मेकअप कंप्लीट सा लगे और साथ ही साथ आँखें जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी लगे, क्योंकि सिर्फ अगर आईलिड्स पे लगाओगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद मैंने सिल्वर काजल लिया है NY बे का और उसे अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्लैक काजल भी लगा सकते हो, बट मुझे आँखों को बड़ा दिखाना था इसलिए मैंने यहाँ पे सिल्वर काजल का यूज़ किया है। आप चाहो तो वाइट काजल का भी यूज़ कर सकते हो, या अगर आप काजल नहीं लगाना चाहते हो तो आप उसे स्किप कर सकते हो। इंस्टेड आप न्यूड काजल पेंसिल जो आती है ना स्किन कलर में, आप उसको भी लगा सकते हो, उससे आपकी आंखें थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी लगेंगी देखने में। और गाइस ये जो काजल पेंसिल है ना इसका पिगमेंटेशन ऑसम है। आई थिंक 80 रुपीज़ की आती है, बट आप पिगमेंटेशन देखो कितना बॉम्ब है। लास्टली मैंने यहाँ पे मस्कारा लगाया है और मस्कारा मैंने मेबेलिन का वाटरप्रूफ मस्कारा लगाया है और इसे अच्छे से अपने लोअर एंड अपर लैशेस पे कोट कर लूँगी। गाइज अगर आप अपर लैशेस पे मस्कारा लगाते हो तो आपको ध्यान रखना है, पहले आपको ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है, जिससे आपकी लैशेस का ऊपर वाला पार्ट एंड नीचे वाला पार्ट दोनों अच्छे से कोट हो जाए एंड आपकी जो लैशेस हैं वो बहुत अच्छे से सेपरेट हो जाएँ। और गाइज लैशेज़ अगर अच्छी रहती हैं तो आँखें और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। मस्कारा बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। मस्कारा लगाने के बाद मैं इस मेकअप लुक को कंप्लीट करूँगी फॉल्सीज लगा के। फॉल्सीज मैं टूवर्ड्स द एंड लगाऊंगी। अभी मैं अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ यूजिंग मेकअप रेवोल्यूशन का शैम्पेन हाईलाइटर पैलेट, एंड ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट पैलेट है। और फैन ब्रश की हेल्प से मैंने अपने चीक बोन्स को, अपने क्यूपिड्स बो को, नोज़ को एंड सेंटर ऑफ माई फोरहेड को हाईलाइट किया है। मतलब जहाँ जहाँ पे लाइट पड़े फेस पे ना तब ये हाईलाइट होगा। जो भी आपके हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं फेस के उसे आपको हाईलाइट करना होता है, एंड जो भी डेप्थ एंड डेफिनेशन होती है उसे आपको ब्रॉन्ज एंड कॉन्टोर करना होता है। इससे आपका फेस ना बिल्कुल स्कल्प्टेड सा लगता है देखने में, बिल्कुल फ्लैट सा नहीं लगता है। अगर आप खाली फाउंडेशन लगाते हो ना तो जो फेस है ना वो बहुत फ्लैट सा लगता है और आपको ना डेफिनेशन नहीं मिलती है फेस पे, इसलिए आपको हाइलाइटिंग एंड कॉन्टोरिंग ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे मेरा मेकअप लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने अपनी एक्सेसरीज जो हैं, जो भी मुझे पहननी है वो मैंने पुट ऑन कर ली है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज नहीं पहनूंगी। वैसे तो बंगालीज गोल्ड ज्वेलरीज प्रेफर करते हैं, बट मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल नेकलेस डाला है। इसके बाद मैं अपनी ईयरिंग्स पहन लूँगी। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा दुर्गा पूजा मेकअप लुक। मैंने गजरा, आईलैशेस और स्टेटमेंट बिंदी ऑफ कैमरा लगा ली है। स्टेटमेंट बिंदी दुर्गा पूजा के लुक में इज़ अ मस्ट। आप चाहो तो इसमें सिंदूर लगा सकते हो और इस लुक पे 4 चांद लगा सकते हो, बट मैंने ये लुक स्पेशली अनमैरिड गर्ल्स के लिए क्रिएट किया है जो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से रेडी होना चाहती हैं, इसलिए मैंने सिंदूर यहाँ पे नहीं लगाया है। बट अगर आप मैरिड हो तो गाइस सिंदूर इज अ मस्ट दुर्गा पूजा में, और इस लुक को आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हो सिंदूर लगा के। एंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है मेरा मेकअप लुक। सेंटर पार्टीशन किया है बालों में और बस मैसी बन बना के मैंने गजरा लगा लिया है और सामने से फ्लिक्स निकाल के उसे हल्का सा कर्ल किया है। तो बताना जरूर कि वीडियो आपको कैसा लगा, मेकअप आपको कैसा लगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय।